हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपका रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार देते हैं पूरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पर आप खेल से संबंधित जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं पूरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2018 में जो भी दिए गए उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि यहाँ पर रोज ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। एंड चैनल को एक बार जरूर से जाकर आप विजिट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा एमपी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप चैनल पर जरूर से एक बार चले जाइए। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का पिछले एक साल का पूरा जो करंट अफेयर कंप्लीट है चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी, वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। एंड यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार 2018, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2018 में जो भी खेल पुरस्कार दिए गए उनके बारे में। पहले आपको जो कि मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो खेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। अब देखिए, वर्तमान में जो खेल और युवा कल्याण मंत्री है वो है आपके जीतू पटवारी जी, और जो कि 4 अक्टूबर 2018 को कौन थे तो वो थे आपके जो कि यशोधरा राजे सिंधिया। अब इनके द्वारा जो कि यहाँ पे 4 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में के सर्वोच्च पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2018, विक्रम पुरस्कार 2018 और विश्वामित्र पुरस्कार 2018 लाइफ टाइम अचीवमेंट 2018 के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों यानी कोचों के नामों की घोषणा की गई है। तो ये जो की गई है 4 अक्टूबर 2018 को की गई है। खेल और युवा कल्याण मंत्री जो थी वो थी उस टाइम पे यशोधरा राजे सिंधिया, इन्होंने ही की थी। सभी पुरस्कारों के नामों की यहाँ पे इन्होंने घोषणा की थी। आगे बात करें तो वर्ष 2018 में 10 सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार और 15 जूनियर खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार तथा 3 खेल प्रशिक्षकों यानी खेल के जो कोच होते हैं उनको विश्वामित्र पुरस्कार तथा खेलों के विकास और जीवन पर्यंत योगदान के लिए खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो आपका सीनियर जो खिलाड़ी होते हैं उनको विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, जूनियर खिलाड़ी को यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है और जो खेलों के कोच होते हैं उनको यहाँ पे विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। इनको प्रशिक्षक भी बोला जाता है, इनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है और खेलों के विकास में जीवन पर्यंत योगदान जो देते हैं तो ऐसे खेल हस्ती को यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे ही बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का जो विक्रम पुरस्कार है उससे संबंधित यहाँ पर हम जान लेते हैं विक्रम पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो विक्रम पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1990 में हुई थी और इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को 1,00,000 रुपये की राशि तथा ब्लेजर प्रतीक चिन्ह जो कि आदि प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी यानी स्थापना जो हुई थी विक्रम पुरस्कार की वो 1990 में हुई थी और इस पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ी को 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ में ब्लेजर भी उसको दी जाती है और प्रतीक चिन्ह भी उसको दिया जाता है। तो ये चीज़ इसको दी जाती है, ये आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी है। और ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, यानी जो मध्य प्रदेश है इसका सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, विक्रम पुरस्कार ही है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो पुरस्कार है उन खिलाड़ी को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो, यानी मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है वह ही इस जो कि पुरस्कार इसको प्राप्त कर सकता है, यानी उसी को ये दिया जाता है। एवं एक शर्त और है, जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, दोनों कंडीशन अगर मिलती है तभी उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करेंगे हम जो कि वर्ष जो कि 2018 में विक्रम पुरस्कार विजेता की सूची के बारे में। अब देखिए 2018 में किन किन लोगों को यहाँ पे विक्रम पुरस्कार जो कि दिया गया उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे वो है आपके हर्षिता तोमर। सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे हर्षिता तोमर यानी खिलाड़ी की कौन से स्थान से संबंधित है वो और उसके साथ में गेम्स किस खेल से संबंधित है, तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यानी ये वीडियो आपके लिए 1 जो कि 2 इन 1 रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल आपको क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी से संबंधित उनकी स्थान उनका जो कि यहाँ पर किस खेल से संबंधित है और यहाँ पर पुरस्कार भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो सभी पॉइंट यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो हर्षिता तोमर जो है होशंगाबाद से संबंधित ही है और यहाँ पे इनका जो खेल से संबंधित है वो सेलिंग के लिए इनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2018 में। हर्षिता तोमर याद रखिए होशंगाबाद से ही संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्षिता तोमर कहाँ से संबंधित है, तो ये होशंगाबाद से संबंधित है किस खेल से, तो सेलिंग से है
और इनको 2018 में विक्रम पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है रुक्मणी। रुक्मणी जो है राजगढ़ जिले से संबंधित है और रोइंग से संबंधित है। ये गेम्स कौन सा है, इनका खेल कौन सा है? रोइंग, रोइंग से संबंधित है, राजगढ़ जिले से यहाँ पे संबंधित है। और रुक्मणी इनको भी विक्रम पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है सोनकर। सोनकर जो है इंदौर से संबंधित है और पावर लिफ्टिंग गेम से ये रिलेटेड जो कि संबंधित है। इनको विक्रम पुरस्कार विजेता में ये रही है 2018 में। नेक्स्ट आता है जूही झा, ये इंदौर से है और ये खो खो गेम्स इनका जो कि यहाँ पे रिलेट करती हैं। तो जूही झा इंदौर से संबंधित है, खो खो गेम इनका जो कि ये जो कि प्ले करती हैं। नेक्स्ट आता है पूजा वस्त्राकर, ये शहडोल से संबंधित है, क्रिकेट ये खेलती है, यानी गेम्स इनका है क्रिकेट हो जाता है। और यहाँ पे इनका जो संबंधित जो जिला हो जाता है वो है आपका शहडोल, शहडोल से संबंधित है ये, और पूजा वस्त्राकर इनका नाम है। नेक्स्ट आता है भीम वीरेंद्र बाथम, भोपाल से संबंधित है, कैनोइंग ये प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये विक्रम पुरस्कार जो कि यहाँ पे सीनियर जो कि यहाँ पे खिलाड़ी है और यहाँ पे इनसे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रणय खरे, जो नेक्स्ट टाइम भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्रणय खरे जो भोपाल से संबंधित और एक घुड़सवारी करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है अनस वासित, ये भोपाल से संबंधित शूटिंग से भी ये संबंधित है, यानी शूटिंग से संबंधित है, भोपाल इनका जो कि जिला है यानी भोपाल से ये है। नेक्स्ट आता है कीर्ति चांदनी भोपाल सॉफ्ट टेनिस, ओके। तो कीर्ति चांदनी भोपाल और सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं। सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी में, यानी दिव्यांग श्रेणी में क्रिकेट खेलते हैं, वो भोपाल से संबंधित हैं, ओके। तो सोनू जो गोलकर है क्रिकेटर है, दिव्यांग श्रेणी में क्रिकेटर है और यहाँ पर भोपाल से संबंधित ये है। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं, जहां से आप सर्वश्रेष्ठ तैयारी इसकी कर सकते हैं। इसके साथ में आप एमपीपीएससी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। एमपीएसआई की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा है कि वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे कूपन कोड ROYJGO40 को यूज करके इनको टेस्ट सीरीज को परचेस करेंगे तो 40% का भी पूरा डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ से जाकर बिल्कुल टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो देखिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है एकलव्य पुरस्कार। अब एकलव्य पुरस्कार जो है इसकी जो स्थापना हुई थी यानी शुरुआत हुई थी वो 1994 में हुई थी, 1994 में इसकी स्टार्ट ये स्टार्ट किया गया था एकलव्य पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी, स्टेब्लिश इसको किया गया था। अब ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी जो खिलाड़ी है उनको ही यह पुरस्कार दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार, जिसकी उम्र जो है 19 वर्ष से कम हो एवं जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम दो वर्ष तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, यानी 19 वर्ष से कम इनकी आयु होनी चाहिए तभी ये इसके पात्र होंगे। और इस पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है एवं साथ में ब्लेजर प्रतीक चिन्ह एक प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए, थोड़ी सी पूछी जाती है इसकी राशि भी, कभी कभार पूछ ली जाती है कि कितनी राशि यहाँ पे दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे इनके जो विजेताओं की लिस्ट हम देख लेते हैं, कौन कौन यहाँ पे विजेता यहाँ पे रहे हैं 2018 में एकलव्य पुरस्कार के। तो अगर बात की जाए अद्वैत पांगे, तो ये जो है इंदौर से संबंधित है, तैराकी ये करते हैं, यानी इनका गेम्स जो है तैराकी है, तैराकी से संबंधित है, इंदौर इनका जो कि यहाँ पे संबंधित है ये इंदौर से। अद्वैत पांगे इनने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए जो हम करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये आपको पूछे जाने के चांसेस है। नेक्स्ट आता है आकाश नैनीवाल, ये इंदौर से है, कबड्डी ये प्ले करते हैं, तो यहाँ पर कबड्डी इनका गेम्स हो जाएगा, यहाँ पर इंदौर से संबंधित है आकाश नैनीवाल। नेक्स्ट आता है रितेश जो कि परितेश पाल ये जो है इंदौर से है, पावर लिफ्टिंग ये अभी आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है नम्रता बत्रा, इंदौर वुसु गेम्स से रिलेटेड है और इंदौर से ही संबंधित, सभी इंदौर से ही है अभी तक। और अब नेक्स्ट आता है आपका दुर्वा मुद्रिस, ये भी इंदौर से है सॉफ्टबॉल। नेक्स्ट आता है उमा चौहान, ये भोपाल से और सेलिंग से संबंधित ये है, उमा चौहान भोपाल और सेलिंग। निशा ताइड़े ये भोपाल से है, फेंसिंग से है ये, फेंसिंग। नेक्स्ट आता है जहानवी श्रीवास्तव, ये भी भोपाल से, कनोइंग कयाकिंग से संबंधित ये हैं, जयानवी श्रीवास्तव। मुस्कान किरार के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, करंट अफेयर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट्स जो करंट अफेयर हमने बनाया है उसमें हमने इनको डिस्कस किया, सभी जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको। तो अगर आपने स्पोर्ट्स करंट अफेयर नहीं देखा है तो अभी हम लेकर आए, वो आप जरूर से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब मुस्कान किरार जो है जबलपुर से है और तीरंदाजी से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिए जबलपुर से ही है।
नेक्स्ट आता है आपका नाओ रेमो, जो कि नाओ रेम अनीता देवी, ये जबलपुर से है, साइकिलिंग से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है राजू सिंह भदौरिया, भिंड घुड़सवारी, राजू सिंह भदौरिया भिंड और घुड़सवारी ये करते हैं। आद्य तिवारी होशंगाबाद से है, सॉफ्ट टेनिस इनका गेम्स है। विवेक प्रसाद सागर होशंगाबाद, हॉकी ये प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है नीरज राणा ग्वालियर, हॉकी ये प्ले करते हैं। अगला है लास्ट आपका श्रेया अग्रवाल, और जो कि जबलपुर से है आपकी, और शूटिंग से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट हम आगे कवर करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में। अब देखिए विश्वामित्र जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी विश्वामित्र पुरस्कार की। अब देखिए विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षक को यानी जो कि कोच होते हैं उनको दिया जाता है जिसके कम से कम दो खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं, उनको ये जो पुरस्कार है दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। एक बार और यहाँ पर उनकी जो शर्त है वो देख लेते हैं। विश्वामित्र जो पुरस्कार है कोच को दिया जाता है और जिसके कम से कम 2 खिलाड़ी ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक 4 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं, तभी ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें जो विजेता होता है उनको यहाँ पे 1,00,000 रुपये दिया जाता है, ब्लेजर प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपका दिया जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। अब आगे बात कर लेते हैं हम जो कि विश्वामित्र पुरस्कार जो विजेता है उनकी सूची यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है विनोद मिश्रा है, ये भोपाल से कनोइंग कयाकिंग की जो कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं, यानी कोच है ये कनोइंग कयाकिंग के, भोपाल से है विनोद मिश्रा। नेक्स्ट आपका आता है बुटुम इबो मचा सिंह, ये जबलपुर से साइकिलिंग की ये कोच है। नेक्स्ट आपके घनश्याम चौधरी, ये इंदौर से संबंधित है, कबड्डी के ये कोच हैं। तो तीनों को आप याद रखिए, तीनों को विश्वामित्र पुरस्कार दिए गए 2018 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली जो लिस्ट है हमारी वो आती है प्रभाष जोशी पुरस्कार की। अब प्रभाष जोशी पुरस्कार में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाता है और मध्य प्रदेश के सीकर खेल जो कि अलंकरण में 5वां पुरस्कार है ये प्रभाष जोशी पुरस्कार, जिसको अभी हाल ही में जो कि ऐड किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है मलकम खेल में सर्वोत्तम प्रदर्शन के करने वाले खिलाड़ी को यहाँ पे दिया जाता है। अब 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पे मलकम को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया है। इसी वर्ष इस पुरस्कार की भी स्थापना की गई, यानी मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलकम है और मलकम को 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर राजकीय खेल घोषित किया गया, इसी वर्ष इस पुरस्कार की भी स्थापना कर दी गई है। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार इसका नाम रखा गया है, ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018। ओके, तो मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किस लिए कब स्टार्ट किया गया था, तो ये जो स्टार्ट किया गया था 2014 में जो कि यहाँ पे शुरू हुआ था 2014, नाम आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 में स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर ये विख्यात खेल हस्ती को यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है, यानी जो कि यहाँ पे योगदान खेल की इसमें योगदान विख्यात खेल हस्ती को ये दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है मशहूर हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय कैप्टन रूप सिंह जी की स्मृति में दिया जाता है, यानी जो हॉकी के जो जादूगर है इनको ये भी बोला जाता है कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। अब देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया है वो सुधीर वर्मा को दिया गया है, धार जिले के से संबंधित, धार से संबंधित ये बैडमिंटन ये प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है ये सुधीर वर्मा को दिया गया है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही रेगुलर आपको वीडियोज मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय।